देखिए, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ डिवीजन में इस बार कोई भी वृक्षारोपण नहीं किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो भी डीएफओ बहराइच टेरिटोरियल जो है उन वो नोडल अधिकारी हैं और सारी प्लांटेशन बहराइच में हो रही है। कतरनिया घाट वन्यजीव में इस बार कोई भी प्लांटेशन प्रस्तावित नहीं है। इसका मुख्य कारण क्या है जो नहीं हो पा रहा है? देखिए, इसके ऊपर मैं कुछ कमेंट नहीं कर पाऊंगा। ये शासन से नॉर्मली सबको टारगेट्स अलॉट होते हैं हर डिस्ट्रिक्ट को, तो संभवतः जो बहराइच डिवीजन को टारगेट्स अलॉट हुए थे, जो भी शासन की पहली प्री डिसाइड रणनीति है उसके अनुसार से हुआ था, तो उसमें संभवतः बहराइच जिले में ही सारे टारगेट सब्ज्यूम होके जो भी शासन के टारगेट थे वो बहराइच में ही कंप्लीट हो चुके होंगे, इसीलिए कतरनिया घाट तक स्पिल ओवर की बात नहीं आई। देखिए, वृक्षारोपण कहीं पर भी होना है नहीं होना, ये डीएफओ लाइजन करके नहीं करवाते हैं, ये शासन द्वारा किए गए। पिछले 2 साल पहले जब कल्पना अवस्थी मैडम थे तब से ही जो चीफ सेक्रेटरी सर के जो ऑर्डर से शासन आदेश निकला था उसके अनुसार अगले 3 साल तक, यानी इस साल तक का 19-20, 20-21 और 21-22, 3 सालों के टारगेट्स ऑलरेडी डिटरमाइंड थे। और वो जब टारगेट्स डिटरमाइंड होते हैं तो वो फिर लखनऊ से उसको चेक करते कि यदि वो सारे के सारे टारगेट्स बहराइच में ही फुलफिल हो गए तो फिर उन्होंने कतरनिया को नहीं दिया, क्योंकि एक ही यहाँ पे नोडल है। अगर टारगेट्स उससे ज्यादा होते या एक्सीड हो रहे होते जो बहराइच नहीं टेकअप कर पाते तो वो कतरनिया घाट को भी मिल जाते, क्योंकि एक ही जनपद है। आइडिया ये है कि जनपद के अंदर उतना लक्ष्य पूरा हो जाना चाहिए जो बहराइच से हो गया।